तो दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ने वाले हम कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान का अध्ययन और भारतीय संविधान जो कि आपका एक महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है दोस्तों। और इस अध्याय से अगर मैं प्रश्न उत्तर आने की बात करूं तो इस अध्याय से दो ऑब्जेक्टिव और एक चार अंक का इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि आप ब्लू प्रिंटर में साफ साफ तरीके से देख सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पर परीक्षा अध्ययन से हम बात कर रहे हैं इसलिए परीक्षा अध्ययन में अध्याय 9 दिया है, बाकी अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो अध्याय 12 है। ठीक है ठीक है, तो इससे जो है 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपके दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और एक जो 4 अंक का प्रश्न होता है। अब इस अध्याय की दोस्तों खासियत बात मैं आपको बता दूं शुरुआत से ही कि इस अध्याय से जो जितने भी आपके प्रश्न बनेंगे यानी जो 4 अंक का प्रश्न है और जो दो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो ज़्यादातर किस पे होते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताओं पर। ठीक है, तो आपको इस अध्याय को पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि आप भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ना न भूलें। ठीक है ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे जिससे आपको जो है बाद में हम जब इसके क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव और काफ़ी सरल ऑब्जेक्टिव है कि भाई भारत का संविधान कब लागू हुआ। अब ये काफ़ी सरल है दोस्तों और ये सभी को आपको पता होगा, 26 जनवरी को हमारा जो भारतीय संविधान हुआ लागू हुआ था, हम 26 जनवरी को मनाते। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि भाई सन कैसे याद रखें, तो सन है इसका 1950। तो आपको याद रखना है आज़ादी के 3 साल बाद जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ। ठीक है, 3 साल हमें जो लिखने के लिए लगे थे और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, अनुच्छेद का मतलब होता है भाग कितने, भाई भारत का संविधान जब लिखा गया तो उसमें कितने भाग लिखे गए। तो हमारा जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। देखिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, 220 जो पूरे वर्ल्ड में देश है उनमें सबसे बड़ा संविधान हमारा है। यहाँ पर हर चीज़ की डिस्कशन की गई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा होगा यानी 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना 395 सबसे ज़्यादा अनुच्छेद है। और दोस्तों इसकी ट्रिक भी, अगर आपको अनुच्छेद याद नहीं रहते और ये जैसा का जैसा सही विकल्प आपसे पूछ लिया गया तो आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि जो आपके विकल्प दिए गए उसमें जो सबसे ज़्यादा जो विकल्प में हो गए वो आपका संविधान इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, ये बहुत बार बच्चे इससे भी जो है इसे भर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा आएगा, 395 भारत के संविधान में अनुच्छेद है। अगला आपका संविधान है। ठीक है दोस्तों, संविधान है तो दोस्तों संविधान क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों संविधान क्या है, एक बुक है जिस बुक में ये लिखा गया है कि भाई कौन सा कानून किसके लिए उपयोग है तथा क्या किस कानून का क्या महत्व है, किस चीज़ के लिए क्या महत्व दिया गया, ये सभी लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला विकल्प देखिए हमारा क्या दिया है, सरकार का गठन, तो ये गलत है बिल्कुल, संविधान का मतलब सरकार का गठन नहीं है। दूसरा अगर हम देखें देश का शासन, तो देश का शासन भी संविधान में यह लिखा है कि भाई देश का शासन किस प्रकार करना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि देश का शासन। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा आपका। लेकिन तीसरा जो है नियमों एवं कानूनों का संरक्षित प्रयोग, मतलब संविधान में ये लिखा ना कि भाई किस नियम को तथा किस कानून को किस प्रकार से यूज़ करना चाहिए, क्या है, सभी चीज़ें उसमें लिखी हुई है ना, तो इसलिए हमारा जो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नियम एवं कानूनों का संरक्षित प्रलेख। अगला देखिए आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए आपका कि निम्न में से कौन सी जो विशेषता रहेगी वो भारतीय संविधान की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की जो है अलिखित संविधान, ये जो हमारी विशेषता नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो एक लिखा हुआ संविधान है और यहाँ पर देखा अलिखित संविधान, तो ये हमारी जो विशेषता नहीं है। अगला देखिए, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं, तो हमारे भारत संविधान में जो मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं, 10 बताए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होते हैं, सभी को जो कर्तव्य दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं कि भाई ये 10 कर्तव्य है एक आम आदमी को, वो इन्हें यूज़ कर सकता है। अब देखिए, अब बात करते हैं इस चैप्टर के रिक्त स्थानों के, सबसे ज़्यादा इस अध्याय से जो है रिक्त स्थान ही पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से इन्हें समझना है। ठीक है, सबसे पहले रिक्त स्थान है मेरी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा देखिए दूसरी रिक्त स्थान के बाद, कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रारूप समिति के। ठीक है, प्रारूप समिति का अब इसमें अंतर क्या है देखिए, अब आपका संविधान जो है जब बना रहे थे यानी 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बारी आई, तो उसमें जो है स्थायी अध्यक्ष जो घोषित किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, कि भाई आप संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं, अगर संविधान सभा की जितनी भी कार्य प्रणाली है वो सभी आप ही बनाएंगे, मतलब आप ही जो इसके हेड रहेंगे। लेकिन जो उसका प्रारूप बनाया था, मतलब किस प्रकार से संविधान लिखना है, किस प्रकार से क्या करना है, वो दिया था डॉक्टर बीआर जी अंबेडकर जी ने। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो स्थायी जो आपका प्रारूप समिति थी, मतलब जो संविधान का जो प्रारूप बनाया था, उनके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बीआर अंबेडकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये। अगला आपका कि भारत का नवनिर्माण संविधान, ठीक है, जो भारत का जो नवनिर्माण संविधान है संविधान सभा द्वारा को अंगीकृत किया गया था, मतलब जो भारत ने जो संविधान बनाया भाई, कि जो इन्होंने 3 साल में मिलकर जो संविधान बनाया उसे जो संविधान सभा ने कब जो है अपने, मतलब संविधान सभा ने उसको सही मायने में जो है इसको सही समझा, तो वो समझा था आपका 26 जनवरी 1949 को
26 जनवरी 1949 को जो है भारत का संविधान जो है सही मायने में सही घोषित कर दिया गया था। अगला आपका समानता का अधिकार संविधान में वर्णित में से एक है, ठीक है। तो समानता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमें दिया गया है। अगला आपका संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का शासक होता है। तो आप सभी को पता है संसदीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली के 3 भाग होते हैं दोस्तों, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, और बीच में होता है राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर जो सभी निर्णय है लोकसभा राज्यसभा लेती है, राष्ट्रपति की ज़्यादातर जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे देश का शासन होता है तो आप राष्ट्रपति की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति शासक होता है, वो होता है नाम मात्र का, सिर्फ नाम मात्र का होता है। अगला आपका कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल आपका राइट है। अगला आपका भारत संविधान की पहली बैठक 8 दिसंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान की पहली, ये संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ संविधान जो सभा थे उसके निर्माण कब हुआ था, हमारे आज़ादी के बाद, यानी हमारे भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, आज़ादी के बाद। उसकी बैठक कब होगी, यानी 1947 के बाद ही होगी, लेकिन यहाँ पर देखिए सन क्या दिया है, 1945। तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला आपका भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। तो ये क्या है, बिल्कुल हमने अभी अभी बात की, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 400 में 5 कम, ठीक है, आपको याद रखना। अगला मौलिक अधिकारों में संकटकालीन प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि भाई मौलिक अधिकारों जो किसी भी व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उसके लिए, तो उन्हें जो है अगर कोई संकटकाल आपातकाल आता है तो वही वो अधिकार जो है उसे रद्द कर दिया जा सकता है। अगला आपका संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पूर्वालोकन करने का अधिकार देता है। तो ये भी बिल्कुल आपका सत्य आ जाएगा। अगला देखिए आपकी सही जोड़ी संविधान की व्याख्या। तो संविधान की जो व्याख्या है वो की गई है सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। मतलब संविधान की व्याख्या कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और जो संविधान का जो रक्षक होता है वो भी कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अगर संविधान पे कोई उंगली उठाता है या उसको कोई हानि पहुंचाता है, उसकी कोई अपमान करता है, तो उसका जो सभी जो निर्णय होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला आपका भारतीय संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की विशेषता क्या है कि हमारा जो संविधान है उस वो जो है पंथ निरपेक्ष है। मतलब यहाँ पर जो है सभी जितने भी धर्म, जितने भी जाति, जितने संप्रदाय के लोग हैं उन सभी को उनके उनके अधिकार, उनकी उनकी पूजा पाठ, उनके उनके सभी चीज़ें मानने का जो संपूर्ण हक है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्षता हमारा एक जो है इसकी विशेषता है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया प्रारूप समिति यानी जो जिसने प्रारूप बनाया था उसके कौन थे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। अगला आपका कि मध्य प्रदेश में संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो मध्य प्रदेश से जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, सेठ गोविंद दास। ये आपको याद रखना है और ये पूछा भी गया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश से संविधान सभा जो निर्माण हुई थी उस समय जो जिन्होंने संविधान बनाया था तो उनमें जो हमारा मध्य प्रदेश का कौन था, तो कौन थे, सेठ गोविंद दास। ये हमारे मध्य प्रदेश से जो है संविधान सभा में सदस्य थे। अगला आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। तो ये किस में है, ये आता है आपका मौलिक अधिकारों में। ये हमें मौलिक अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक संपत्ति को हम सुरक्षित रख सके, ठीक है। अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका भारतीय संविधान का आधार कौन सी योजना रही। तो कैबिनेट मिशन जो है ये योजना रही जो कि भारतीय संविधान का जो है आधार रही। अगला आपका कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो ये है सर्वोच्च न्यायालय। हमने अभी भी पढ़ा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। अगला आपका भाषा, लिपि और संस्कृति के लिए कौन सा मौलिक अधिकार रखा गया है। तो भाषा, लिपि और संस्कृति के लिए कौन सा रखा गया है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। संस्कृति या से आपको संस्कृत से संस्कृति उठा लेना है और शिक्षा का अधिकार आपको बीच में जोड़ के आपका बच जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगला किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों किस स्थिति में, जब आपातकाल लग जाए, ठीक है। 1962-63 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था तो कोई भी मौलिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को दिए गए थे तो स्थगित कर दिए गए थे, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले अगर आपको ये नहीं बता तो चलिए बता देता हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति को संविधान की ओर से ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो कि उसकी रक्षा करते हैं या फिर उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे वे लोगों की जो है मदद कर सके, ठीक है। तो उन्हें स्थगित भी किया जाता है कब, आपातकाल या संकटकाल के समय। अगला आपका संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और 10 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मूल पूछा है इसलिए 6। अगला आपका कि कौन से संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो 42वें संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि अगले पार्ट में आपके होने वाले हैं, जिसमें हम अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी जो प्रश्न यहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए आपको कहाँ पर अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है।